ऑलराइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के शो की, जहां पर WWE ने दो चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस की हैं और टाइम चल रहा है मनी इन द बैंक का और क्या क्या चीज़ें हम सभी को देखने को मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फर्स्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, थोड़ी सी हेल्प कर दो सब्सक्राइब करके। यार मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें WWE ने कौन सी दो चीज़ें ऑफिशियल की हैं, तो यहाँ पर इसमें से एक मैच है और एक है रिटर्न। सबसे पहले हम लोग रिटर्न की बात कर लें तो अलायंस का रिटर्न WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है WWE अलायंस के रूप में किसको लाएगी, कहीं WWE काटने तो नहीं वाली है कि अलायंस बोल के भाई इजिकल ही दिखा दिया, क्योंकि इजिकल और अलायंस तो आई थिंक एक ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अलायंस का कॉन्सर्ट करके WWE ने इस सेगमेंट को ऑफिशियल किया है। और जो दूसरा है, आई मीन जो दूसरी चीज़ है, जो कि एक मैच है जो कि वुमेंस मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होने वाला है, जो कि होगा बेकी लिंच एंड हमारी आस्का के बीच। और यहाँ पर मेरे हिसाब से बेकी लिंच जीतने वाली हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगी वुमेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। और अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई तो भाई आस्का जीतेंगे सिंपली। और ये कुछ WWE ने दो चीज़ें कल के मंडे नाइट रॉ के शो के लिए ऑफिशियल की हैं। और अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम चल रहा है मनी इन द बैंक का। रॉ वुमेंस चैंपियनशिप की बात कर लें तो बियांका ब्लेयर एंड रिया रिपली का मैच होना है मनी इन द बैंक के अंदर। तो यहाँ पर लास्ट वीक हम सभी को देखने को मिला था कि बियांका ब्लेयर रिंग में थी और जो हमारी रिया रिपली हैं वो आई थी वीडियो पैकेज के थ्रू टाइटल ट्रॉन स्क्रीन पर, जहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बोली थी और बस इसका कोई मतलब था नहीं। और इस हफ्ते क्या पता हमसे भी कुछ ब्रॉल वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई रिया रिपली के पास तो भाई जजमेंट डे है और बियांका ब्लेयर के पास कोई नहीं है। बाकी देखो क्या होता है इनका इस हफ्ते। ऑस्टिन थ्योरी एंड बॉबी लैशली की बात कर लें, जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप की फ्यूड, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, तो यहाँ पर इनकी फ्यूड चल रही US टाइटल के लिए। और लास्ट वीक हमसे भी को भाई वो क्या पोस्ट टेस्ट क्या था वो देखने को मिला था। और इस हफ्ते कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है, क्या पता बॉबी लैशली तोड़ फोड़ के रख दें, क्योंकि लास्ट वीक जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने जाने उनकी आंखें में क्या कुछ फेंक दिया था। इस चलते जो हमारे बॉबी लैशली हैं वो रिंग के बाहर चले गए थे और ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक भी किया था। तो यहाँ पर कल हम सभी को इन दोनों के बीच मनी इन द बैंक के लिए मैच ऑफिशियल होते दिखाई दे सकता है US टाइटल के लिए। तो एक सीन देखने को मिल सकता है हम सभी को कल इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। रॉलिंस की हम लोग बात कर लें तो रॉलिंस का कल सन में नहीं आ रहा है क्या कुछ सीन देखने को मिलेगा, मतलब वो क्वालिफाई तो कर चुके हैं तो क्या पता कल वो लैडर पे से चढ़ के मनी इन द बैंक उतारें। अब वो तो मनी इन द बैंक के पहले होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और क्या पता कल एज स्टाइल्स को कोई लास्ट मौका मिले मनी इन द बैंक के मेंस लैडर मैच के लिए। और अगर ऐसा होता है तो भाई वहाँ पर डेफिनेटली एज स्टाइल्स को जीतना चाहिए। और एक सीन बता दिया, बाकी पूरा रॉ का आप लोग देख लेना कि भाई कल क्या होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल मेमोरी जज की वीडियो थी, वो भी तक की थी। अगर पसंद तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।